आयो न्याबली गल करदी पई आ आजाद धड़े दी सिरो सरदार ते अज साडी जिहड़ी वीडियो होएगी ना दो जबानां दे विच होएगी एक पंजाबी ते दूसरी उर्दू जबान दे विच ताके आल पाकिस्तान दा थोड़ी जी समझ आ जावे। तो आज जो है वो बेसिकली हम चटाई कर रहे हैं, आजाद धड़े की रस्म कर रहे हैं और निशा राओ जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा वकील, ठीक है, बहुत लोगों के काम आई है। तो आज एक और नेकी का काम ये करने जा रही है, ठीक है, ये कराची में आजाद धड़ा बनाने जा रही है। तो हम उसको बकायदा जो है वो आजाद धड़े में ना सिर्फ हम वेलकम कह रहे हैं बल्कि ये ऐलान कर रहे हैं कि ये आजाद धड़े में अपने घर की मालक मुख्तार होगी, मेरी बेटी भी है चटाइयों की और हमारी कराची की जो यही शरीक भी होगी, ठीक है। रस्म पहले शुरू करते हैं, सबसे पहले हम छल्ले से शुरू करते हैं, ठीक है। ये छल्ला है आजाद धड़े का कि ये इस रस्म के तहत जो है वो आजाद धड़े के जो असूल हैं कि किसी को खरीदेगी नहीं, किसी को बेचेगी नहीं, किसी का भूखा पानी नहीं बंद करेगी, किसी का बड़ा पान नहीं लेगी, जो कि आजाद धड़े के रसूमात हैं उसके मुताबिक ये चलेगी। ये छल्ला उस वादे का, उस कॉल का, उस करार का है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम जो ये मेरे पास अमानत रहेगा, हाथ में पहन लिया मेरा नहीं हो गया, ठीक है। दूसरे नंबर पे बाजी जो हम जो सिंधियों पंजाबियों और जो हिजड़पन की रस्म है हम वो कर रहे हैं, हम निशा राव को जो हम दुपट्टा दे रहे हैं। अभी हमारी रस्में खत्म नहीं हुई, अभी हम एक और रस्म कर रहे हैं, ठीक है। हम निशा को आजाद धड़े की मालक मुख्तार अपने सिंध जो कराची चैप्टर है उसका बना रही है और ये हमारी जो पग है फकीरी वाली, ठीक है। कौन सी पग? फकीरी वाली, चौधर की पग, जिसमें ये अपने आजाद धड़े के फैसले सारे जो है वो कर सकती है। ये हम निशा को आजाद धड़े की क्या बांध रहे हैं? पग, चौधर की, नायके की, मालक मुख्तारी की, अपने घर की, सिंध, मलीर, ईस्ट कराची, नाजमाबाद, जो जो भी शहर का नाम आप इलाके का नाम ले सकते हैं, सबकी ये मालक मुख्तार है। जिसने भी सिंध में चेला होना आजाद खड़े में और गुलामी से जो आजाद होना है वो आके निशा को चटाई दे सकता है। अच्छा, इसके अलावा मैंने एक और बात करनी है कि जो गुरु कहते हैं ना कि वहां पे एक माफिया है, वो कहते हैं हमने अपना राया लगा लगा ली, जो हम इन्वेस्ट करते हैं वो हमने लेना है। मुझे सिर्फ इस चीज का जवाब दे दें कि क्या जो ख्वाजा सरा है ये आपका बिजनेस है जिसके ऊपर आप इन्वेस्ट करते हैं और आपने प्रॉफिट लेना है, ठीक है। कोई बच्चा आता है मजबूरी में, उसको कपड़े चाहिए, उसको खाने पीने के लिए कुछ पैसे चाहिए, उसको रहने के लिए छत चाहिए, तो क्या वो आपकी कमेटी निकल गई? क्या आपने आप उसको बेच के कमेटी लेंगे? या कोई आपने माल डंगर खरीद लिया कि उसको कुर्बानी पे हम बेच के पैसे लेंगे? खुदा के लिए जो है वो कुछ शर्म कर लो। पाकिस्तान का कानून किसी भी इस चीज की इजाजत नहीं देता और बादशाह मेरी बेटी कानून की रानी महारानी जो है वो ये आपको बता दे कि बेटा कौन सा दफा लगता है? 370 बेचने और खरीदने पे दफा 370 लगती है, दफा 370 लगती है, ठीक है। आपने क्या करना है, इस गुरु माफिया जो आपको खरीदते बेचते हैं उनके खिलाफ सिर्फ आपने दरखास्त देनी है थाने में, ठीक है, मुकदमा रजिस्टर कराना, उसको लड़ना, वो मेरी बेटी जो है वो शहजादी वो खुद ही कर लेगी। तो खुले दिल से कराची से हैदराबाद आए, चेला हुए और अपने जो है वो इस जालिम समाज से जो है वो आजादी हासिल कर रहा है। मैं यही कहूंगी कि मैं आपकी बेटी हूँ और आज मैंने इनकी राय पर इनकी सोच को मैं आगे लेकर चल रही हूँ और मैं चाह रही हूँ कि जैसे कि पूरे पाकिस्तान में आजाद धड़े का हम ऐलान करें। बेसिकली अभी तक तो कश्मीर, इस्लामाबाद और पंजाब में ही था आजाद धड़ा और आज से इंशाल्लाह सिंध के पूरे शहरों में हम आजाद धड़े का ऐलान करते हैं। जो ख्वाजा सरा आना चाहते हैं तहे दिल से मैं उनका वेलकम करूंगी और मैं उनको हर तरह की लीगल प्रोटेक्शन दूंगी। शुक्रिया। और मिठाई हमने मंगवाई थी तो हम एक दूसरे का मुंह मीठा भी करा लेते हैं और आप सबके लिए भी है और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको मेहक है, पायल है जो वीडियो
बना रही हैं, जिनकी वजह से आज हमारी वीडियोस बन रही हैं, तो वो इस वीडियोस में नहीं है, उनका सबसे ज्यादा शुक्रिया इस मोमेंट को रिकॉर्ड करने में। थैंक यू सो मच। मारो मियां तालियां।